अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बी मिनहाज खान एंड वेलकम बैक टू दी एंड अदर व्लॉग को। भाई आपका भाई बैक टू बैक व्लॉग के साथ हाजिर हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने पहली वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे दे दिए और सब्सक्राइबर भी 10-15 बढ़ा दिए हैं। ऐसे ही करते रहोगे तो भाई आपका हाजिर होते रहेगा। सीन कुछ ऐसा है, अभी हम जा रहे हैं। और कैसे हो आप लोग, मैं तो पूछना ही भूल गया था। इसके बाद सीन कुछ ऐसा, हम जा रहे हैं, आज घर पे बोर हो गए थे तो हमने बोला क्यों ना आज निकल जाए घूमने लुलु सुपर मार्केट। हमारे साथ हैं पठान लाला पिस्ता, लियारी गैंग, छोटी मार्केट गैंग और दो स्मार्ट लौंडे भी हमारे साथ हैं। वो आगे जा रहे हैं, वो अवर स्मार्ट जिसे बोलते हैं ना, वो लोग वो हैं। अभी उनसे भी हम आपको मिलाते हैं। पट्टा देखो आप कैसा है, बिल्कुल ये वॉकिंग एरिया है यहाँ का, जहाँ पे हम शुरू के एक महीना आए थे, हमारे को काम नहीं मिला था तो हम इधर डेली आ रहे थे। अब ने तकरीबन 5 महीने बाद ये हमारे फारूक भाई हैं। यहाँ की तफरी, लांडी की तफरी यहाँ पर आ गई है। एक नंबर के ना, कौन है यार बिड़ू, अरे बिड़ू आपको लुलु में जाके हम दिखाते हैं भाई। तो भाई हमने आपको दो स्मार्ट बच्चे जो बताए थे वो ये हैं, जो एटीएम से पैसा निकालने ही है हमारे। माशाल्लाह देखे स्मार्ट बंदे दोनों, ये हमारे नजर ना लगे इनको, ये हमारे दोनों स्मार्ट है। हमारे साथ चल ही नहीं रहे, बोले अगर तुम्हारे साथ चलेंगे तो हमारी वैल्यू गिरेगी। मोबाइल चेक करे कहाँ रखा इन्होंने भाई। ये देखो ये माल आया इनका, ये मैं बता रहा हूँ ना स्मार्ट लौंडे ये लोग भाई। हम लोग के साथ चल ही नहीं रहे, परफ्यूम वगैरह लगा कर आए, पता नहीं क्या समझ रहे अपने आपको। सनी लियोन वो देखो भाई, पैसे निकाले कार्ड ही नहीं लिया ये देखो। ये होता है स्मार्ट लोंडो का काम भाई, पैसे निकालने दोबारा निकालने, पैसे बहुत निकालने, पैसा बहुत 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 कितने हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर, यहाँ पे यार ये कैमरा लगा है। हाँ ये देखो ये कैमरा लगा हुआ है, चक्कर में कार्ड बाहर आ गया। ये देखो कैमरा लगा हुआ है स्मार्ट, इसकी मैं आपको पूरी फोटो शूट दिखाता हूँ नीचे से ऊपर तक। फारूक भाई स्मार्ट लौंडे हैं ना ये लोग। क्या बोलोगे तुम इनके बारे में? कुछ भी नहीं बोल सकते भाई। अच्छा इनको तुम क्या बोल रहे थे, दो बंदों को यहाँ पर क्या लगा है? कुछ भी नहीं, नहीं दो बंदों का बोलो ना। ये तो कुछ नहीं बोलेगा लेकिन मामा तेरी बजा देंगे। अब उधर जाके मिलते हैं आपसे भाई। जी फाइनली हम लुलु हाइपर सुपर मार्केट पहुँच गए हैं और यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं, क्या बात है। चेक करें, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं। यहाँ पे तो कैमरा, इधर भी मेरा शो वाला आ रहा होगा। हाँ हाँ भाई फारूक भाई पहली दफ़ा आए हो ना मॉल में या पहले भी आ चुके हो? पहले भी आ चुके हो, फिर ठीक है। ये ट्वाइस एरिया आ गया फुल मज़ेदार, पहली बार आया इधर। हाँ लेने के आए ये बताओ भाई, हम तो कुछ नहीं लेना है, हम हाथ पैरों पे आए। दो बंदे हमारे पास अमीर हैं, वो जो स्मार्ट है, एक ये स्मार्ट है, वो स्मार्ट ये दो स्मार्ट है, कुछ भी नहीं लेंगे लेकिन। 35 रियाल जेल तो भाई स्कूटी ले लें क्या? ये वाली इसको बच्चों वाली है ये तो। अबे वो सीखो में इतने सस्ते सस्ते मिलते हैं 40-40 रियाल के। अबे ये बैग छोड़ो, ये जा जब जाएंगे ना 2 साल बाद 2025 में जब देखेंगे ये बैग वेग का तीन पूरा कर दिए ना। हाँ ये 24 रियाल में बोतल लिया, ये सही नहीं है 24 रियाल में। इसके साथ गिलास भी है। हाँ दो कप भी हैं तुम लोग के लिए, गरीबों के लिए। गरीबो लगाओ तुक्का, गरीबो लगाओ तुक्का। 10 रियाल का बैग कहाँ है? 10 रियाल का बैग, 10 रियाल की बोतल। हाँ अबे मुझे मना कर रहे हो वीडियो बनाने के लिए।
अरे भाई क्या लेने आए हो तुम यार, सिर्फ बातें कर रहे हो क्या, चीजें देखोगे बस। अलातुल अलातुल अलातुल, हाँ वीडियो कॉल पर लगे हो भाई। तो फाइनली हम शॉपिंग वगैरह करके फ्री हो गए थे और ये देखे हमारे भूखे दोस्त कैसे मंड रहे हैं सारे। मैं बेचारा गरीब बबल खा रहा हूँ, इस गरीब को देखें, इस गरीब को देखें, इसको टेंशन ही हो गई। नहीं कहा फिर, एक तो फ्री में खाने को मिल रहा और बोल रहा ये रहा ये रहा ये रहा, एक तो फ्री में खाने को मिल रहा और बोल रहा बेकार है ना। ये हमने शॉपिंग करी है, अबे ट्राली दरी छोड़ो ना, मैं सामान निकाल हैं घर तक के आ जाएंगे लेने के लिए। बड़ा हम लोग शॉपिंग वगैरह कर कर हुआ फ्री में, मेंस टॉयलेट में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ के टॉयलेट, ये सीन है। बहरहाल अब हम घर जाते हैं, घर जाने के बाद आपसे मिलते हैं। क्यों ना आपको रेसिपी ही बता दें, और रेसिपी क्यों बना रहे हैं, इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि आप मौसम देखते हैं, दमाम का मौसम आजकल बड़ा चिमैक्सी किस्म का हो चुका है। तो इस वजह से हमने आज डिसाइड किया है हम बनाएंगे रेसिपी, और जो रेसिपी बना रहे हैं हमने उसके लिए ले लिया है कुछ चीज़ें। जैसे कि ये हमारे पास आ गए आलू, ये आलू इसलिए काटे हुए क्योंकि हमें रात के लिए आलू बनाने हैं। और ये आ गया हमारा बेसन, बेसन के हम बनाएंगे पकोड़े। और ये आ गए हमारे फिंगर फ्राइज, इसकी हम बनाएंगे चिप्स यानी फिंगर फ्राइज। और ये कुछ मकई है और कुछ मिर्ची जिसकी हम बनाएंगे पॉपकॉर्न। और हमने साथ में ले लिया है ऑयल, नमक, सॉल्ट एंड क्रश मिर्च। तो वही आज के व्लॉग में आप लोग को मज़ा आने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हम कैसे बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने जल्दी जल्दी सामान अरेंज कर लिया है, बस अभी मेकिंग करते हैं और आपको बताते हैं। पहले हमने भाई चूल्हा ऑन कर लेते हैं, चूल्हा ज़्यादा तेज है तो हमने बोला क्यों ना थोड़ा सीधो कर ले, और दूसरी वाली कढ़ाई को भी हमने डाल दिया है। इसके अंदर भी हम थोड़ा सा तेल डाल दें, तेल क्यों डाल दें आप लोग को पता होना चाहिए, तेल इसलिए डाल दें हम क्योंकि एक में हमें बनाने हैं। इधर लाओ करीब, इसमें हम बनाएंगे फिंगर फ्राइज और इसमें हम बनाएंगे पकोड़े। अब पीछे ले जाओ, कैमरा मैन हमारा सही नहीं है तो थोड़ा सा भाई के साथ कोऑपरेट कीजिएगा। और अभी हम सबसे पहले कर रहे हैं अपने फिंगर फ्राइज लेते हैं, थोड़ा सा हमारा तेल गर्म हो गया है, फिर हमने पानी के अंदर रखे थे हमारे पास सूखे सोडा लगाते हैं, क्या लगाते हैं कॉर्नफ्लोर वगैरह लगाते हैं, वो हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम डायरेक्ट पानी से निकाल के इसके अंदर डाल लें क्योंकि अभी ये भड़कने वाली है। ओए 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 ओए, पूरी एक साथ हम नहीं डालेंगे ये, हमने सिर्फ डाल दिए इसके अंदर। पहले करीब करो, इसको अभी हम ऐसे छोड़ेंगे और हम अपना थोड़ा कर लेते हैं बेसन तैयार, क्योंकि बेसन के अंदर हमने मिलाया है फिंगर, तो फिंगर फ्राइज भी मिलाई है इसके अंदर, अनियन मिलाया है हमने यानी प्याज, और कुटी हुई मिर्चें, जीरा है, साबुत जीरा है, बेसन है और सीक्रेट मसाले वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। अब मेरी शक्ल आ रही है वैसे, ये बताओ आ रही है ना, फिट नहीं गया। इसके अंदर अभी हमें मिलाना है अदरक लहसुन, जो कि अदरक लहसुन हमने इसके अंदर रखा हुआ है, और अदरक लहसुन ये देखें ऐसा हुआ हुआ है, तो हम इसका थोड़ा मेल्ट होने का वेट करेंगे फिर आपसे मिलते हैं। तो वही सीन कुछ ऐसा है, चिप्स भी बन रही है, पकोड़े भी बन रहे हैं और पॉपकॉर्न भी बनेंगे, और उसके साथ बारिश का मौसम हो और अगर चाय ना हो तो मज़ा नहीं आ रहा था यार, थोड़ा टेस्ट में ना अधूरापन जो होता है ना वो रह रहा था। तो इसलिए हमने चाय का इंतज़ाम भी कर दिया है, ये हमारा दूध है बोनी का और ये है चीनी, और ये हमने थोड़ा पानी चढ़ा दिया, दूध पत्ती चाय बनाएंगे उस पर भी पानी डालना ज़रूरी होता है। अब्बा चलो चाय बनाओ, इसके अंदर थोड़ी सी इलायची भी डालो, डालो डालो, क्या देख रहे हो अब्बा, तुम्हें आज मजा दे रहा हूँ। अच्छा भाई अब एक बात बताओ, आज सुकून है नहीं है? सुकून बहुत है, बहुत सुकून है ना, आज हमारे सारे रूम पार्टनर गए हैं, हम दो अकेले हैं, तो अब्बा बोल रहा सुकून ऐसा चाहिए जिंदगी में, बिल्कुल सुकून, ना शोर शराबा कुछ भी नहीं, मज़ेदार जिंदगी गुजर रही है भाई, मज़ेदार मर्जी की चीज़ें बना के खा रहे हैं, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। चलो अब्बा चाय की तैयारी करो।
तो भाई फाइनली हमारी सारी चीजें तैयार हो गई है मजेदार किस्म की, और मुंह में आ रहा है पानी, और मैं आपको चीजें दिखाऊं माशाल्लाह, पॉपकॉर्न, पकौड़े, चिप्स, मसाला, केचप, मायोनीज, रायता, मसाले वाली चिप्स, चाय। अब्बा मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ अब्बा सीरियस। हाँ मजा आ रहा है हूँ ना मैं बनाने वाला खाने टाइप। तो यार सबसे पहले हम ट्राई करते हैं पॉपकॉर्न, मज़ेदार, नमक बराबर है। फिर उसके बाद ट्राई करते हैं हम अपनी सादी चिप्स, ये लगाया मसाला, लाजवाब। फिर उसके बाद आती है हमारी मसाले वाली चिप्स, इसको हम लगाएंगे रायते से और केचप से, लाजवाब। मज़ा आ गया, मज़ा, सुकून वाला मज़ा आ गया। अब आया नहीं आया मज़ा आया। मतलब ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है, हम आपको ये चीज़ें खाते उसके बाद मिलते हैं, वरना आप तो हमारे पेट में दर्द करेंगे। ये देखो